देखिए दोस्तों, सुबह आ गए हैं बड़ा भैया का साथ। देखिए पानी में मैं भी घुसा हूँ। यार पानी गेंद तोड़ दे सकते। देखिए नाव पे में हूँ मैं, मछली लगी है बड़ा साइज का। कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? चलो देखिए, किता किता उतरी थी हाथी सही तला पर लाल अच्छे। तीन अंगल का नेट है। अलग और भी है। देखिए टेंगरा मछली है यहाँ पर, और एक ठो देखते हैं कितना मछली है अभी। देखिए ज़्यादा लंबा नहीं था, 50 फीट का नेट है। एक ठो टेंगरा है और एक ठो कार्पिस है। देखते हैं अभी और नेट है। पत्थर कितना बड़ा बड़ा पानी के बीच में है। उसको खोल रहा है भैया, खोल रहे हैं। देखिए खोल लिए हैं अभी, आगे जाएंगे। लगी है तो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। भीतर आ जाइए। देखिए पत्थर पत्थर के नीचे आ गए। बड़ा सा चट्टान है, देख सकते हैं। चट्टान के ऊपर में पेड़ है एक ठो। इसमें भी एक लगा है मछली, देख सकते हैं। सब काफी से खाने में बहुत टेस्ट आता है सब मछली। हट के उठा मास्टर दिखा, हट के देख सकते हैं। 250-300 ग्राम की है मछली।
आग लगी छो नहीं 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 हाँ हाँ हेलो फेरू छ सटके सियाड़ भी अच्छे ये वाला नेट में एक ही मछली था, दो नेट उठा लिए हैं और भी नेट है अभी। मैं रिटर्न आ रहा हूँ वापस, पत्थर को घूम के आएंगे भैया। उधर उस साइड पत्थर का उस साइड में है और एक नेट और दो नेट है पत्थर का उस साइड। देखिए पत्थर पानी के बीच में है, पत्थर के ऊपर में आपका बहुत सारा पेड़ सा भी देख सकते हैं। मैं आप फंस आ रहा हूँ, मछली लगी रहेगी तो मेरे को बुलाएंगे भैया। इस साइड पर दो नेट है दो। देखिए भैया बोल रहे हैं मछली लगी है, तो मैं वापस फिर से रिटर्न जा रहा हूँ उनके पास। वो तो दो अंगल का नेट सब है। हाँ हाँ मैं उनका पास जा रहा हूँ अभी, और नेट बड़ा नेट सब उठाना है। देखिए दोस्तों टापू को पार कर रहा हूँ, घूम करके जाना पड़ता है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। अभी बड़ा नेट सब है, देखिए वाला टापू का अभी राउंड मार रहा हूँ मैं। किनारे पे चले गए हैं भैया, देखिए वाला टापू है कितना बड़ा, छोटा सा रिवर में आपको नीचे ब्रिज दिखाई दे रही होगी। देखिए ऊपर का हिस्सा नदी का कितना पानी है ऊपर में, तो किनारे किनारे देखिए वाला है ही पर अभी तो एक उंगल का नेट है सर, एक उंगल का नेट है देख सकते हैं। इसमें दो तीन लगी है, आगे और भी होगा। फोटो दी सर, देखिए 100 ग्राम का मछली साफ है ये नेट के वाला नेट में। अभी तीन मछली, देखिए तीन मछली है अभी ये वाला नेट में, आगे और भी है। झोटा गया
देखिए और एक है, देख सकते हैं देख, ठीक है देखिए ये वाला, ठीक है तीन चार मछली हो गया ये वाला नेट में। देखिए दोस्तों ठंड भी लग रही है, थोड़ा मौसम ख़राब था दो चार दिन, पानी नहीं हुआ था इसलिए। देखिए और मछली है आगे, देखिए यहाँ पर भी है एक, थोड़ा छोटा है। मैं ट्यूब में हूँ और भैया नाव में है, छोटा सा नाव है देख सकते हैं, डूब जाएगा दो आदमी बैठने से। कि हम लोगों का नदी में झाड़ी वाड़ी बहुत रहता है, पेड़ पौधे देख सकते हैं, इस पत्थर भी बहुत सारा है, टापू जैसा है चारों तरफ पत्थर छोटा मोटा बड़ा बड़ा इसलिए। और हम लोगों का एरिया जंगल बहुत सारा, चारों तरफ जंगल है इसलिए बहुत झाड़ी उड़ी रहता है। देखिए पत्थर उत्थर सब है, पत्थर के ऊपर में घास उस। और एक मछली देख सकते हैं, ठीक है और मछली है, बड़ा नेट अभी उठाना बाकी है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। देखिए और भी मछली है शायद, चार पांच मछली हो गया इधर, एक एक डेढ़ उंगल का नेट में, तीन उंगल का नेट में एक, एक नेट में एक था और एक नेट में दो है, 200 ग्राम 300 ग्राम का साइज का, और इसमें एक 100 ग्राम से नीचे का साइज का है, 100 ग्राम का साइज का है एक उंगल का नेट में, एक डेढ़ उंगल का नेट में। एक गाड़ी गोदे से लुकी रहे, छोटा सा देखिए सारा नेट को समेट लिया है भैया, उठाएंगे नाव के अंदर। देखिए मछली 6-7 पीस है मछली, 500 ग्राम का। देखिए अभी बाहर निकाल करके पानी में उसको, ये पानी का बाहर निकाल करके खोलेंगे, ठीक है बहुत सारा मछली है। एक उंगल का नेट है दोस्तों, अभी तीन नेट उठा लिए हैं, तीन उंगल का दो नेट और एक उंगल का नेट। देखिए आगे और भी नेट उठाएंगे, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पानी नहीं है, देखिए मैं खड़ा हो गया हूँ, अगर मछली लगी है तो भैया बुलाएंगे तो जाएंगे फिर से, ठीक है। कल लगाए थे शाम को, आज सुबह उठा रहे हैं, देखिए उस साइड में भतीजा लोगों है, दिखे नहीं दे रहे वो लोग। देखिए भैया ऊपर जा रहे हैं नाव लेकर के, अगर मछली लगी है तो बुलाएंगे। देखिए भतीजा लेकर गया है, कितना मछली है, इसमें शीशा डाला हुआ है नेट में, देखिए बड़ा बड़ा साइज का है। अभी पत्ता सब नेट में, देखिए तीन दो पाँच सात मछली है, ये है आपका अढ़ाई उंगल का है, ये बाबा
मेरा वाला नेट लगाया नहीं था, भैया का नेट में दिखा रहा हूँ। मैं खुद मैं लगाता हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसलिए भैया का नेट में दिखा जो मछली है। तो आगे और एक नेट है, देखते हैं क्या हिसाब है। बड़ा नेट में एक एक दिन जीरो हो जाता है, चाहे इसमें बड़ा मछली 2.5-2 किलो 1 किलो 1.5 किलो का मछली फंसती है। कभी कभी जीरो होता है, रोज का तो नहीं होता है। देखिए दोस्तों, बड़ा चीतल है, देखिए फंसी है। इतने दूर भाग लो, देखिए 2.5 किलो का मछली है, 3 किलो का अंदर का मछली है, देख सकते हैं। देखिए भैया का नेट में, देखिए कितना बड़ा है, देखिए 10 उंगल का नेट है ये वाला। 3 उंगल में मछली है और 1 उंगल में, और ये वाला 10 उंगल में एक मछली है बड़ा सा। ठीक है, आगे खोल करके दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अभी सारा नेट उठा लिया है भैया, तो अभी आगे खोल करके दिखाएंगे। चलिए चीतल को अभी निकाल देंगे, छोटा सा नेट है। तो बड़ा नेट था, लंबा वक्त था, तो हाथी आया था तो हम लोग उनका नेट को फाड़ करके आगे पार हो गया था। तो अभी 3 पीस कर दिए हैं नेट, तो छोटा नेट है, देखिए एक ही मछली लगी है और 2 नेट में नहीं लगी है, बड़ा नेट में। अभी इसको निकाल ले रहे हैं। देखिए ये कम से कम 2.5-3 किलो के अंदर का मछली है, देख सकते हैं आप। तो उसी का पीस है वाला, इसमें मछली नहीं है। तो हाथी पार हुआ था नदी में, हम लोगों का रिवर में, तो उस टाइम नेट को पूरा फाड़ उड़ दिया था, तो 3 पीस कर लिए थे नेट को। ठीक है, अभी और 2 नेट है, 3 नेट है, उसमें मछली है 3 फिंगर का और 1 फिंगर का नेट में। अभी इसको भी निकालेंगे। ठीक है, अभी सबको भी निकालेंगे। मंगल का नेट है, देखिए अभी सारा मछली को खोल करके दिखाएंगे कितना होगा टोटल। देखिए बहुत टेस्ट वाला मछली है, कार्पी से, ये देसी वाला मछली सब है। देखिए अभी 1 फिंगर का नेट का मछली, देखिए दोस्तों जिंदा है मछली, अभी तो अभी घर लेंगे फिर भी जिंदा रहेगा। डर मैं कब्जा वाले नहीं आते मारा, कई डर मार फिर भी बाजी चल रहा।
देखिए मछली निकाल रहे हैं। गोली दे तो ही चबाते थे सट्टा रखा हुआ देखिए इसको डुमड़ा मछली बोलते हैं। देखिए दोस्तों बड़ा सा चीतल है 2.5-3 किलो का और बाकी छोटा छोटा 3 उंगल का और 1 उंगल का मछली है देख सकते हैं। टोटल 3-3.5 किलो मछली होगा शायद। देखिए बड़ा मछली का सामने दूसरा मछली सब छोटा पड़ जा रहे हैं देख सकते हैं। इस तरह फिशिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आगे शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ अब तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा नया वीडियो का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आगे ऐसे ही प्यार देते रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।